hello guys myself of Sekhraj and you are most welcome on our channel your study today i am going to start the third lecture of chapter weather climate and adaptations of animal to climate in this lecture we will study about uh, polar regions uh, tropical rainforest adaptations of animals so let's start the lecture activity 7.2 take an outline map of the world मार्क द पोलर रीजन इन ब्लू सिमिलरली मार्क द ट्रॉपिकल रीजन्स इन रेड ये एक्टिविटी है आप एक वर्ल्ड का आउटलाइन मैप बना लीजिए और उसमें पोलर रीजन को ब्लू से मार्क कीजिए और ट्रॉपिकल रीजन को रेड से मार्क कीजिए अब हम पोलर रीजन के बारे में पढ़ते हैं द पोलर रीजन्स द पोलर रीजन्स प्रजेंट एंड एक्सट्रीम क्लाइमेट पोलर रीजन में क्लाइमेट कैसा होता है एक्सट्रीम होता है एक्सट्रीम कोल्ड होता है दीज रीजन्स आर कवर्ड विथ स्नो ये जो क्षेत्र होता है यह बर्फ से ढका रहता है एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर और साल के बहुत से पार्ट में यह ठंडा रहता है फॉर सिक्स मंथ्स द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर द अदर सिक्स मंथ द सन डज नॉट राइज छः महीने के लिए सूरज डूबता नहीं है और छः महीने के लिए उगता नहीं है इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ठंडी में यहाँ का तापमान माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दिज सेवर कंडीशंस और वहाँ पर जो जानवर रहते हैं वो उसी के अनुसार अनुकूल हो गए होते हैं लेट सी हाउ दे आर अडेप्टई कंसाइडरिंग द एग्जाम्पल ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंग्विन्स चलिए अब यह देखा जाए कि वे कैसे अडेप्ट करते हैं अपने सराउंडिंग के जैसे किसका एग्जाम्पल लेके तो पोलर बियर और पेंग्विंस का पोलर बियर्स हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट ईजली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड पोलर बियर्स के पास वाइट फर होता है इससे उनको स्नोई वाइट बैकग्राउंड में वो आसानी से नहीं दिख पाते हैं इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देअर प्रिडेटेटर्स और इनसे व इनका फायदा होता है कि वह वह अपने प्रीडेटर से बचते हैं वो प्रीडेटर उनके उनको नहीं देख पाते हैं इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन कैचिंग देयर प्रे और यह प्रे को अपने प्रे को कैच करने में भी इससे उसको मदद मिलता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कॉल दे हैव टू थीक लेयर्स ऑफ फर और एक्सट्रीम कोल्ड से बचने के लिए इनके पास दो थिक लेयर होते हैं फर के दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन और उनके स्किन के अंदर एक फैट का लेयर भी होता है इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड इनफैक्ट ये इतने ज़्यादा वेल इंसुलेटेड होते हैं कि ये थोड़ी देर ही चलने के बाद इनको रेस्ट लेना पड़ता है क्योंकि वह ओवर हीट हो जाते हैं क्योंकि दो फर के लेयर हैं और उसके बाद फैट का लेयर है इससे वह ओवर हीट हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज़ नेसीसेट कूलिंग और वार्म डेज़ में यानी कि गर्मी के दिनों में जब फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा हो जाती हैं तो इनको कूलिंग नेसीसेट हो जाता है इसलिए पोलर बियर कहाँ जाते हैं स्विमिंग के लिए जाते हैं इट इज़ अ गुड स्विमर ये गुड स्विमर है इट्स पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो वॉक विथ ईज इन द स्नो इनके जो पाँव होते हैं वह कैसे होते हैं चौड़े और बड़े होते हैं जो इनको सिर्फ स्विम करने में मदद नहीं करते हैं बल्कि उनको स्नो पर चलने में भी मदद करते हैं वाइल्ड स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नोस्ट्रिल्स एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन जब वह पानी के अंदर तैर रहे होते हैं तो वह अपने नोस्टिल को बंद कर सकते हैं और पानी के अंदर बहुत लंबे ड्यूरेशन तक रह सकते हैं इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच इट्स प्रे फॉर फूड इनके पास स्मेल का एक स्ट्रॉन्ग सेंस होता है इससे आप अपने प्रे को आसानी से कैच कर पाते हैं भोजन के लिए वी कैन अंडरस्टैंड दो एडेप्टिशंस ऑफ पोलर बियर विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट सोन इन फिगर 7.3 हम पोलर बियर के एडेप्टेशन को आसानी से समझ सकते हैं इस फ्लो चार्ट की मदद से चलिए फ्लो चार्ट देखते हैं तो इनके एडेप्टेशन है और उनसे इनको क्या फायदा होता है ये इसमें फ्लो चार्ट में दिए गए हैं तो पहला एडेप्टेशन है दाइट फर इज नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड इनका जो वाइट फर होता है वह स्नोई बैक, वाइट बैकग्राउंड में आसानी से विजिबल नहीं होता है और इसके फ़ायदा क्या है ये देखिए इट्स प्रीडेटर्स एंड प्रे आर अनेबल टू सी इट मतलब पहला तो यह इसको जो खाने वाला है वो भी इनको देखने में अनेबल रहता है और ये जिसको खाने वाले हैं वो भी इनको देखने में अनेबल रहता है दूसरा एडेप्टेशन है इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल इनका जो सेंस होता है स्मेल का वो बहुत ही अच्छा होता है इससे इनको यह फ़ायदा होता है कि वह अपने प्रे को लोकेट करने में कैच करने में आसानी होता है थर्ड एडप्टेशन इज इट हैज़ अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लॉज इनका इनके पास लंबा कर्व और शार्प क्लॉ होता है और इससे इनको क्या मदद मिलता है इसके इससे यह आसानी से चल पाते हैं किस पर आइस पर चौथा एडेप्टेशन है इट हैज़ अ लेयर ऑफ फ़ैट अंडर इट्स स्किन उसके स्किन के अंदर फैट का लेयर होता है इससे फ़ायदा होता है द फैट इंसुलेट्स इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड एंड कीप इट्स वार्म इससे क्या होता है फ़ैट उनके बॉडी को इंसुलेट करते हैं कोल्ड से ठंडी से और उनको गर्म रखते हैं और फिफ्थ एडप्टेशन है इट हैज टू थिक लेयर्स ऑफ फर विच कीप इट वार्म इन कोल्ड वेदर इनके पास दो थिक लेयर होते हैं फर के और वो उनको कोल्ड वेदर से बचाते हैं अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इज द पिंग्विन, जो दूसरा जाना माना वेल नोन एनिमल है जो कि पोलर रीजन में रहता है वह क्या है पेंग्विन है इट इज ऑल्सो व्हाइट एंड मर्ज एज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड यह भी व्हाइट है और अपने व्हाइट बैकग्राउंड से अच्छी तरह मर्ज कर जाता है इट ऑल्सो हैजिक लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्राम कोल्ड इसके पास भी एक थिक स्किन होता है और फैट होता है इसको ठंडी से बचने के लिए यू मे हैव सीन इन सीन पिक्चर्स ऑफ पेंग्विन होल्डर टूगेदर आपने पिक्चर्स में देखा होगा कि पेंग्विन एक साथ रहते हैं दिस दे डू टू कीप वम ये क्यों करते हैं तो गर्मी रखने के लिए तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन हो सकता है वाई डू पिंग हडल टुगेदर रिकॉल हाउ यू फील वेन यू आर इन ऑफ पीपल अब बोल रहे रिकॉल कीजिए कि जब एक हॉल पूरी लोगों से भरा रहता है तो तब तो आपको कैसा महसूस होता है तो वहाँ पर गर्मी महसूस होती है लाइक पोलर बियर्स पेंग्विनस आर ऑल्सो गुड स्विमर्स पोलर बियर के जैसे पेंगविन भी अच्छे स्विमर्स होते हैं देअर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइंड एंड देअर फिट हैंग देम गुड स्विमर्स इनका जो शरीर होता है वह स्ट्रीम होता है यानी कि बोट के सेप जैसा होता है और इनका इनके फीट के पास वेब्स होता है जैसे कि हैंस के पास होता है और इस इससे वह गुड स्विमर बन जाते हैं अदर एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मेनी टाइप्स ऑफ फिश मास्क ऑक्सन रेंडियोस फॉक्स सील्स वेल्स एंड बर्ड्स ये और जानवर हैं जो कि पोलर रीजन में रहते हैं इसको अंडरलाइन कर लीजिए इट to टू बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर water वाटर फॉर लॉन्ग must मस्ट रिमेन अंडर रिमेन वार्म टू सर्वाइव यह नोट कर लिया जाए कि मछली तो पानी के अंदर रह सकती है लंबे समय तक लेकिन जो चिड़िया होती है उसको गर्मी की आवश्यकता होती है रहने के लिए दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स वेन विंटर in इसलिए यह क्या करते हैं जब ठंडी आता है तो यह माइग्रेट कर जाते हैं हमने पढ़ा हुआ है माइग्रेशन पहले के क्लास में दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज़ ओवर और जब विंटर ख़त्म हो जाता है तो ये वापस आ जाती हैं यू नो प्रोबेबली दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मेनी ऑफ दिस बर्ड्स और ये आप संभवतः जानते होंगे कि भारत इन्हीं तरह के चिड़ियाओं का इन्हीं तरह की मेनी चिड़ियाओं का डेस्टिनेशन है यू मस्ट हैव सीन और हेयर अबाउट द साइबेरियन क्रेन डेट कम्स फ्रॉम साइबेरिया टू प्लेसेज लाइक भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा एंड सम वेटलैंड्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया आपने साइबेरियन क्रेन के को देखा होगा या फिर उनके बारे में सुना होगा जो कि साइबेरिया से आती हैं भारत में भार, भरतपुर है हरियाणा में सुल्तानपुर है वहाँ तक वहाँ आती है अब हम डिड यू नो देख लेते हैं सम माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रेवल एज मच एज फिफ्टीन थाउजेंड किलोमीटर टू स्केटिकट होम कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स पंद्रह हजार किलोमीटर ट्रेवल करती हैं अपने घर पे जो एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन होता है उसको एस्केप करने के लिए जनरली दे फ्लाई हाई वेयर द विंड फ्लो इज हेल्पफुल एंड द कोल्ड कंडीशन अलाउ देम टू डिस्पर्स द हीट जनरेटेड बाय देयर फ्लाइट मसल्स आमतौर पर यह ऊंची उड़ान भरती है यानि कि ऊंचाई पर उड़ती हैं जहाँ पर वाइन फ्लो हेल्पफुल होता है यानी कि ज़्यादा तेज हवा बहता है और जो कोल्ड कंडीशन होता है वह उनको अलाउ करता है हीट को डिस्पर्स करने में और ये हीट कहाँ से जनरेट होता है तो इनके फ्लाइट मोसल्स के द्वारा बट हाउ दिज बर्ड्स ट्रेवल टू द सेम प्लेस ईयर आफ्टर ईयर इज स्टिल अ मिस्ट्री लेकिन ये जो बर्ड्स हैं ये एक ही जगह पर साल के बाद मतलब एक साल के बाद फिर जाती हैं फिर जाती हैं ये अभी तक मिस्ट्री है इट सीम्स दैट दिस बर्ड्स हैव ब्यूल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन एंड नो इन विच डायरेक्शन टू ट्रैवल यह माना जाता है कि ये जो चिड़िया होती हैं यह अपने अंदर एक सेंस ऑफ डायरेक्शन बिल्ड कर ली हैं और ये जानती हैं कि किस डायरेक्शन में ट्रैवल करना है सम बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंडमार्क्स टू गाइड देम कुछ चिड़िया संभवतः लैंडमार्क का कर प्रयोग करती हैं अपने आप को गाइड करने के लिए मेनी बर्ड्स में बी गाइडेड बाई द सन ड्यूरिंग द डे एंड स्टार्स एट नाइट और बहुत से चिड़िया ऐसे हैं जो कि शायद सन सूरज के द्वारा दिन में गाइड किए जाते होंगे और रात में स्टार्स के द्वारा देयर इज सम इविडेंस दैट बर्ड्स मे यूज़ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ टू फाइंड डरेक्शन And it is not only birds that migrate mammals many type of fish and insects are also known to migrate seasonally in search of more hospitable climates यहाँ पर कुछ सबूत मिले हैं कि जो birds होती हैं वे पृथ्वी के magnetic field का प्रयोग करती हैं direction को find करने में और सिर्फ बर्ड्स नहीं ट्रैवल करती हैं माइग्रेट नहीं करती हैं बहुत से मैमल्स हैं बहुत तरह की मछलियाँ हैं इंसेक्ट हैं जो कि सीजनली माइग्रेट करती हैं अब हम ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में जानते हैं जो ट्रॉपिकल रीजन है जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर जो ट्रॉपिकल रीजन है उसके आ, मतलब कि उसमें आमतौर पर गर्म क्लाइमेट होता है जलवायु गर्म होता है क्यों होता है क्योंकि वह इक्वेटर के पास में रहता है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाई डज द ट्रॉपिकल रीजन क्लाइमेट इज हॉट

ड्यूरिंग हॉट समर्स द टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्री सेल्सियस और जब गर्मी के दिन आते हैं तो टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस को भी क्रॉस कर देता है डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर और यहाँ पर दिन और रात लगभग बराबर होते हैं दीज रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश भी होती है एंड इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ़ दिस रीजन इज़ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और इस ट्रॉपिकल रीजन का एक इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंडिन वेस्टर्न घाट्स एंड असम इन इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट और असम भारत में पाए जाते हैं और साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल अमेरिका सेंट्रल अफ्रीका में पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस वार्म एंड रेन दिस रीजन सपोर्ट्स वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स और यहाँ पर जो कंटीन्यूस वार्म है और रेन है उसके कारण यह रीजन विभिन्न तरह के प्लांट्स और एनिमल्स को सपोर्ट करता है The major types of animals living in the rainforest are monkeys, apes, gorillas, tigers, elephants, leopards, lizards, snakes, birds and insects. ये सब वो जानवर हैं जो कि रेनफॉरेस्ट में रहते हैं ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में। Let us read about the adaptation of these animals to a hot, humid climate. चलिए अब इन जानवरों के एडेप्टेशन देखा जाए हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में। द क्लाइमेटिक कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर सपोर्टिंग एन इनॉर्मस नंबर एंड अ वेराइटी ऑफ एनिमल जो क्लाइमेटिक कंडीशन होता है रेन फॉरेस्ट में वह बहुत तरह के जानवरों को सपोर्ट करने में हाईली सुटेबल होता है सिंस द नंबर आर लार्ज दे आर इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर चूँकि यह जो संख्या है जानवरों का वह बहुत ही ज़्यादा है इसके कारण वहाँ पे भोजन और आश्रय के लिए इंटेंस कंपटीशन होता है बहुत से जानवर मेनी एनिमल्स आर एडेप्टेड टू लिविंग ऑन द ट्रीज बहुत से जानवर इस तरह अडेप्ट हो जाते हैं कि वह पेड़ पर रहते हैं रेड आइड फ्रॉग हैज़ डेवलप्ड स्टिकी पैड्स ऑन इट्स फीट टू हेल्प इट क्लाइंब ट्रीज ऑन विच इट लिव्स जो रेड आइड फ्रॉग होता है वह स्टिकी पैड्स डेवलप कर लिया होता है अपने फीट में जिससे इसको मदद मिलती है ट्रीज को क्लाइंब करने में जिस पर यह रहता है टू हेल्प देम लीव ऑन द ट्रीज मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स फॉर ग्रेस्पिंग ब्रांचेज पेड़ पर रहने के लिए मंकीज के पास क्या होता है लंबी पूंछ होती है जो उनको टहनियों में आसानी से पकड़ने के लिए मदद करती है देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन ईजिली होल्ड ऑन टू द ब्रांचेज उनके जो पैर होते हैं फीट होती है वह वह इस तरह की होती है कि उनको ब्रांच को पकड़ने में आसानी होती है एज देयर इज कम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट इजली रिचेबल क्योंकि यहाँ पर फूड के लिए कंपटीशन है तो कुछ एनिमल ऐसे एडेप्ट कर गए हैं कि उनको आसानी से भोजन नहीं मिल पाता है और स्ट्राइकिंग एग्जांपल इज दैट ऑफ द बर्ड टॉकन विच पोजिजर अ लॉन्ग लार्ज बीक जो बर्ड है टोकन उसके पास एक लंबा बड़ा बीक है दिस हेल्प्स अ टोकन टू रीच द फ्रूट्स ऑन ब्रांचेज विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट्स वेट यही इसको इस टोकन को मदद करता है उन फल के पर पहुँचने के लिए जो ब्रांच पर रहते हैं और ब्रांच इतने कमज़ोर रहते हैं कि इनका भार नहीं पाते हैं मेनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग शार्प आईसाइट थिक स्किन एंड स्किन कलर विच हेल्प देम टू कैम फ्लैक बाई ब्लैंडिंग विद द सराउंडिंग बहुत से ऐसे ट्रॉपिकल एनिमल्स हैं जिनके पास सेंसिटिव हीरिंग है अच्छी आईसाइट है उनका स्किन थिक है और उनका स्किन कलर उनको मदद करता है अपने सराउंडिंग के साथ ब्लेंड करने में मिल जाने में कैमफ्लेक बनने में दिस इज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडिटेटर्स और इससे इनको प्रेडिटेटर से बचने में आसानी होती है फॉर एग्जाम्पल बिग कैट्स लायंस एंड टाइगर्स हैव की स्किन्स एंड सेंसिटिव हियरिंग जो बिग कैट्स होते हैं यानी कि लायन और टाइगर उनके पास थिक स्किन्स होते हैं और सेंसिटिव हियरिंग होती है द लायन टेल्ड मकाओ ऑल्सो कल बियर एप लिवस इन द रेन फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट जो लाइन टेल मकाउ होता है वह वेस्टर्न घाट के रेन फॉरेस्ट में रहता है इट्स मोस्ट आउटस्टैंडिंग फीचर इज द सिल्वर व्हाइट मेन विथ्स राउंड देड फ्रॉम दिक्कस डाउन टू चीन ये देखिए लायन टेल मकाउ है ये इसका जो सामने वाला मेन है वाइट सिल्वर कलर का यही इसका जो आउट यहीं इसका आउटस्टैंडिंग फीचर है इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड्स अ मेजर पार्ट ऑफ इस लाइफ ऑन द ट्री यह एक अच्छा क्लाइंबर है और अपना जीवन का बहुत सा भाग यानी कि ज्यादा देर या पेड़ पर ही व्यतीत करता है इट फिट्स मेनली ऑन फ्रूट्स इट ऑल्सो इट सीड्स यंग लीव्स स्टेम्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स यह मुख्य तौर पर फ्रूट्स खाता है यानी कि फलों को खाता है या बीज को भी खाता है हरे पत्ते को भी खाता है स्टेम्स को भी खाता है फ्लावर और बर्ड्स को भी खाता है दिस बियर्ड एप ऑल्सो सर्चेज फॉर इंसेक्ट अंडर द बार्क ऑफ द ट्रीज और ट्री का जो बार्क होता है उसमें जो इंसेक्ट रहते हैं उसको भी अब बियर्ड एप खाता है ट्री इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड चूँकि इसको सफिशियंट uh, मात्रा में भोजन पेड़ पर ही मिल जाता है इसलिए इसको ग्राउंड पर आने की ज़्यादा रेयरली आता है यानी कि ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है तो आपसे कोई पूछेगा कि डज द लाइन ट मकाउ नॉट कम्स ऑन द ग्राउंड रेयरली कम्स ऑन द ग्राउंड तो आप ये बोल सकते हैं अंडरलाइन कर लीजिए इसको अद अदर अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द एलिफेंट और एक और जो वेल नोन एनिमल है इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का वह एलिफेंट है इट हैज एडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज यह अपने आपको एडेप्ट कर लिया है रेन फॉरेस्ट के कंडीशन के अनुसार बहुत से वे में बहुत से तरीके से लुक एट इट्स स्ट्रंक इसके ट्रंक को देखिए ये सामने वाला भाग इट यूज इट एज ए नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल इसी का प्रयोग यह नोज के रूप में करता है और इसके कारण इसके पास स्मेल का बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस है द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग अ फूड और यह इस ट्रंक का प्रयोग भोजन को पिक करने में यानी कि उठाने में भी करता है मॉर इट इट्स टस्क और मोडिफाइड इसका जो टस्क होता है वह मोडिफाइड टीथ होता है दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एनिमल लवस टू इट या जो ट्रीज का बार्क होता है उसको फाड़ सकता है टीयर कर सकता है और एनिमल जिसको उसको पसंद रहता है खाना सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल इसलिए जो एलिफेंट है या एबल रहता है कंपटीशन जो होता है भोजन का ज़्यादा जानवर है इसलिए तो उसको हैंडल करने में एबल रहता है लार्ज ईयर्स ऑफ द एलिफेंट हेल्प इट टू हेयर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड जो बड़े बड़े कान रहते हैं हाथी के वे इसको मदद करते हैं बहुत ही सॉफ्ट साउंड को भी यह सुन पाता है दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड हीड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट और ये इसको कूल cool रखने में यानी कि ठंडा रखने में हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में भी मदद करता है तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए एडप्टेन्स ऑफ एलिफेंट इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यहां पर हमारा चैप्टर खत्म होता है अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे ओके थैंक यू